नवर पहले भी इस तरह मारते थे वो आपको? जी आपने घर में नहीं बताया था? नहीं। उस दिन क्या हुआ था? मुझे घंटा पूरा कान पकड़वाए। अच्छा। और कान पकड़कर जब कान पकड़ रहे मैं एक साइड पर गिर गया। एक साइड पे गिर गया आप? जी। फिर मुझसे खड़ा बहन हो गया। फिर उठाकर आपको मारा? जी। किस चीज से? डंडे से। कहाँ पे मारते रहे? हाथों पर, टांगों पर? जी। आप उनको क्या कहते रहे? मत मारो। तो वो मारते हुए क्या कह रहे थे? अरे तो तुमने दूध क्यों नहीं पहुँचाया? दूध क्यों नहीं पहुँचाया? दूध। अच्छा, खाने को दुरूद कह रहे थे और वो दुरूद उन तक क्यों नहीं पहुँचाया? जी। अस्तग़फ़िरुल्लाह। फिर उठाकर डंडे मारे। डंडे मारे आपको? जी। आपको कोई कानूनी कार्रवाई में पेशरफ्त नजर आई अभी तक? कुछ भी नहीं। आपको जो धमकाया जा रहा है आपके मुल्जिमान की जानिब से, इस हवाले से आपने पुलिस को बताया? जब सुनते नहीं तो क्या बताया उनको? आपने बताने की कोशिश की? जी। काफी 3-4 वक्त गए, उनको बताया सब कुछ, उन्होंने कोई बात नहीं सुनी हमारी। वालदा इस बच्चे की। यस। अल्लाह पाक आपको सब्र दे, हिम्मत दे। दुनिया ने जो आपके साथ जुल्म ढाया है, हमें दिली हमदर्दी है और हम आपके इंसाफ के लिए जहाँ तक आवाज उठा सके हम लोग उठाएंगे। आपके बच्चे के साथ क्या हुआ था? बस ये सिर्फ बारह पढ़ने गया था मस्जिद में, तो इसकी नाना की तबीयत खराब थी और मौलवी साहब ने कहा कि आप ना दुरूद जमा करके ले आए मोहल्ले से, 3-4 तरह जो है इसके बस्ती में। यानी कि आम फहम में मैं कहूँ तो खाना इकट्ठा करके लाने के लिए जो। हाँ जी। अच्छा, तो नाना की तबीयत खराब थी इसकी, हमें इधर आना पड़ गया है इमरजेंसी में। तो हमने दूसरे बच्चे को बोला कि आप ये उनके घर खाना छोड़ा है, हमने उधर जाना है जल्दी में, तो ये उन्होंने नहीं पहुँचाया, मस्जिद में छोड़ दिया और उनका खाना खराब हो गया, कवे वगैरह खा गए। तो जब वो दूसरे दिन ये गया तो उसने कहा कि आपने जिम्मेदारी नहीं निभाई, आपने खाना नहीं पहुंचाया कल, चलो उधर मुर्गा बन जाए धूप में। मेरा कज़न का लड़का था साथ, उसने कहा, ये उसको कहता रहा कि मेरी कमर दर्द हो रही है, मैंने खड़े होना है, लेकिन उसने खड़े नहीं होने दिया, उसने फिर नहीं छड़ी मारी है, ये लात मारी है, ये नहीं पता उधर ही ये गिर गया था। फिर वो कज़न का लड़का आके बताया कि बच्चा गिर गया, उसकी तबीयत ज़्यादा, उसको पेन हो गया, दर्द हो रहा, उसको सीधा नहीं हुआ गया इससे। फिर उसी टाइम इसको घर लेके आए, हमने सोचा कि कोई बल पड़ गया होगा, जो थोड़ा मसला होगा, फिर इंजेक्शन लगवाया पक्की का, फिर इसका सही नहीं हुआ, फिर हॉस्पिटल में ले गए, एक्सरे वगैरह कराया, उन्होंने कहा कि इसको हड्डी का ज़्यादा मसला बन गया, और कोई कहता था मोरे हिल गए हैं, किसी ने कहा हड्डी टूट गई है, कभी कुछ कह रहे थे कभी कुछ, फिर इसको भी हड्डी ले गए। फिर उधर से उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेट होगा और हड्डी में रेशा पड़ गया, हड्डी के टूटने की वजह से। हमें इंसाफ दिया जाए, मेरा बच्चा 2 महीने से ऐसे पड़ा है, जो जिस तकलीफ में है ना, इसको बस ठीक कर दें जैसे भी करें और हमारी हेल्प करें जैसे भी हो। क्या इंसाफ चाहते हैं? उसने हमें धमकी दी कि ना, ये मोहल्ले वालों को कह रहा था कि हम इशू बना रहे हैं, हमने बच्चे को सिर्फ मुर्गा बनाया था 25 मिनट, वो खुद मौलवी अपने मुँह से तकसीम कर रहा था कि मैंने 25 मिनट बनाया, ये घंटा बता रहे हैं। हमने कहा कि 25 मिनट में, 5 मिनट में भी कोई नहीं ऐसे पकड़ता, कान इतनी कमर अकड़ जाती है, आपने घंटा पकड़ाया, साथ में जो बच्चे थे उन्होंने भी कहा कि घंटा इतने पकड़े, उससे भी ज़्यादा टाइम हमें नहीं पता, धूप में ऊपर से तशद्दुद की। जिस वक्त आपके बच्चे को मारा, बच्चे को पहले दिन हॉस्पिटल लेके गए हैं, क्या उस वक्त आप लोगों ने कानूनी कार्रवाई नहीं की फौरी तौर पे? नहीं। उस वक्त आप लोगों ने क्यों नहीं की? हमने मोहल्ले वालों को हमने इकट्ठा किया था, उनके पास गए थे, उन्होंने कहा आप इसको डॉक्टर को दिखाओ, ये ठीक हो जाएगा। फिर हमने सोचा चलो मोहल्लेदार ये, हम ऐसे भी नहीं मसला बनाते ज्यादा, इसलिए नहीं करेंगे। आपने कहा मोहल्ले वालों को बताया था? जी। इस एप्लीकेशन का आपके फ्रंट डेस्क में कोई रिकॉर्ड नहीं है, मैं जान सकती हूँ इसका स्टेटस क्या है? फ्रंट डेस्क पर कहते हैं कि इसका रिकॉर्ड नहीं है, हमारा सिस्टम रिकॉर्ड उड़ा गया। नहीं नहीं, रिकॉर्ड उड़ता नहीं है, रिकॉर्ड तो ये फ्रंट डेस्क पर ऑन रिकॉर्ड मुझे कह रहा है जी, रिकॉर्ड उड़ गया हमारा। नहीं नहीं, रिकॉर्ड नहीं उड़ता, बल्कि जो भी आती है ऑन द रिकॉर्ड होता है, ये इन्होंने फ्रंट डेस्क पे जमा ही नहीं करवाई होगी। जमा करा गए थे यहाँ से, जमा करा के वो तो फिशी के पास ले गए थे, उन्हें रख ले थे टेबल पे लेके। आपके कितने चक्कर लगे हैं? मेरे 4-5 चक्कर लगे हैं। फिर अगर आपने फ्रंट डेस्क पे ये जमा करवाई है तो फिर आपको इसका कोई टैग नंबर भी मिला होगा? कुछ भी नहीं है, जमा करके गाड़ी में बैठ के चले गए थे। कौन है, नाम बताएं, ऐसे तो आप पूछ रहे हैं आपसे? नदीम भाई, ये सही नदीर साहब भी थे? नदीर साहब उनका तो ट्रांसफर हो चुका है यहाँ से काफी अरसा पहले। कितना अरसा पहले? तकरीबन 8-10 दिन हो गए नजीर का। 8-10 दिन? हम 8-10 दिन इधर आ जाए, इधर आ जाए। हम 8-10 दिन से यहाँ के चक्कर काट रहे हैं, हमें कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या ऐसे बच्चे की दादरसी के लिए जाना नहीं चाहिए था अस्पताल तक? सर कोई एप्लीकेशन आती है ना, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, FIR वो लॉज हो सकती है। बिल्कुल होती है, अभी FIR हो सकती है। एहतजाज तक हुआ है
मैं हैरान हूँ कि आप तक आवाज़ नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। बच्चे के वालिदैन कहते हैं कि जब बच्चा जख्मी हालत में हम लेके आए तो हमने पूरा इलाका इकट्ठा किया था, आप लोगों ने उस वक्त क्या देखा था? हमने देखा था कि बच्चा बेहोशी के आलम में था। हाँ। वो खड़ा अपने पाँव पे नहीं हो सकता था। तो क्या बता रहे थे? क्या यही बता रहे थे कि ये मदरसे से उठा के लाए हैं बच्चे को। हाँ। और कारी साहब वहाँ से गायब हो गए थे अचानक ही। अच्छा। हाँ। क्या ऐसी तो शिकायत पहले भी आती हैं? वहाँ की शिकायत तो काफी अरसा से आ रही है। हाँ। लेकिन वहाँ के जो उनका जिम्मेदार है वो इतने लेवल का है कि वो अपना इख्तियार रखता है और गरीब को दबाई देता है। ऐसे मदारस में बच्चों को भेजते क्यों? अगर वहाँ की शिकायत आ रही है, आपके गांव से भी बच्चा क्यों गया? मना नहीं किया था आप लोगों ने? वैसे वहाँ पे मदरसा एक ही है और वहाँ पे ना जो बहुत मारता है मौलवी, और एक घंटा उसने कान पकड़ाया बच्चे को, जो वो गिरा है वो उसको उसके कजन घर लेके आया, वो लंगड़ा के आया, उसे चला भी नहीं गया, वो दो महीने हो गया घर पड़ा है। कौन है इस कारी उर्फ ये जो दरसगाह चला रहा है, तालीमी दरसगाह, इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, क्यों ये इतना बासर है कि ये किसी को भी मार दे, जान से मार दे, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? मैडम वो ऐसे है, ये जो मौलवी है ये जिस इलाके में रहता है वहाँ बड़े जगीरदार रहते हैं, उनकी सरपरस्ती में ये मदरसा चलाता है। ये तो बेचारे गए हैं मेलसी में, गए हैं जी वहाँ अदालत से रजू उन्होंने किया है, तब जाके पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही, क्या वजह है? इलाके के लोग आप लोग चल के नहीं गए साथ? इलाका गया है लेकिन पुलिस वाले नहीं कर रहे, वो बासर आदमी है इसीलिए, ये गरीब आदमी है बेचारा। मेरा ख्याल है जहाँ तक कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं ही बासर अफराद पर काबू डालने के लिए कि वो कहीं कानून अपने हाथ में ना ले, लेकिन अफसोस के साथ ये मकड़ी का वो जाला है कानून, जिसके अंदर छोटे जानवर तो फंस जाते हैं लेकिन बड़ा मगरमच्छ इसको फाड़ कर निकल जाता है, लेकिन उन्हें कोई पकड़ने वाला नहीं है। जिस वक्त बच्चे को यहाँ दरस से लेके आए थे उसी वक्त फैसला क्यों नहीं किया आप लोग? हमने सारे रस्सी रात को जाना, पूरे मोहल्ले का हमारा जो वडेरा है ना इलाके का। हाँ। वही उसको हमने वहाँ पे बुलाया था और मोहल्ले को भी इकट्ठा किया था उस वक्त हमने। वो जो आपका वडेरा और लंबरदार जो भी एक्सपाइजी उसको अपनी जुबान में आप कहते हैं, वो कौन है? रहीम शाह, उसका ससुर है। आप लोग गए नहीं दोबारा चल के उसके पास? आप इतने वडेरे हैं तो हम सबके बड़े हैं। आप तो हम गए उसके पास, उसने फिर हमें बोला है कि जो होता है तुम कर ले जाके। अच्छा, कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है? पुलिस काम नहीं करती, काम करती तो आज ये आवाम का ठीक क्यों होती? अगर पुलिस काम करती होती जिसको इंसाफ मिलता। हाँ। ना तो अस्पताल वाले उनकी बात सुनते हैं, ना पुलिस वाले इसकी बात सुनते हैं। यहाँ की पुलिस क्यों नहीं काम करती, किसके इशारों पर चल रही है? जो बंदा इसको पैसे देता है ये सिर्फ उन्हीं का काम करती है। मेरे साथ भी कई दफा वारदात हो चुकी है मगर पुलिस ने कोई काम सर अंजाम नहीं दिया। आप थाना हदूद एक दफा बता दें कौन सी लगती है? ये थाना हदूद हमारी करमपुर है, सिर्फ वो उनकी बात सुनते हैं जो उनको पैसे देते हैं। आपसे डिमांड की? जी डिमांड की, हमारे साथ भी आपका इतना खर्च होगा फिर आपका काम होगा, लेकिन किसने बात नहीं सुनी। जिम्मेदार यहाँ के अपनी मर्जी का एस एच ओ रखते हैं और अपने इशारे भी चलाते हैं। अच्छा, ये लेवल तो यहाँ जंगल है, जंगल का कानून है यहाँ पे। यहाँ तो गरीब दबा हुआ है और बिल्कुल ही दबा जा रहा है। यहाँ तो गरीब जो आवाज सर उठाता है उसको दबोच दिया जाता है। क्यों जी, आप समझते हैं पुलिस काम कर रही जी, है? जी मैडम, वो कोई काम नहीं करता। कोई गरीब आदमी उनके पास जाए बस वो कहते हैं पैसे दे दो काम हो जाएगा, पैसे भी लेते हैं और किसी का काम नहीं होता। यहाँ के वडेरे लोग नहीं मैडम करने देते काम। वो कहते हैं बस जिसका वोट है, मैंने उनको 10 आदमियों का वोट दे दिया, मैं रोड पे कुछ करता रहूं। वो बैठे फोन कर देते हैं भाई फलां आदमी का बस काम हो जाए, वो नहीं पूछते वो अगला गरीब है कुछ है, बस वो हो जाना चाहिए। पुलिस मजबूर है।